थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ लास्ट क्लास का। क्या टॉपिक चल रहा है देखो अपना, फ्री कंसेंट चल रहा है। क्या क्या कंप्लीट किया उसमें? कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब क्या कर रहे हैं अपन? फ्रॉड। फ्रॉड स्टार्ट हो चुका था अपना। फ्रॉड क्या बोलता है देखो, सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन्स फ्रॉड मीन्स एक्ट कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और बाय हिज एजेंट विथ द इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी और देयर टू ऑफ हिज एजेंट टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। सामने वाले को डिसीव करने के ध्यान में रखते हुए सामने वाले को चीट करना है, और दूसरा इंटेंशन क्या है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट में लेके आए, इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में आ जा करके सामने वाले को डिसीव करना। देखो जो सजेशंस या फैक्ट्स फ्रॉड में कॉन्ट्रैक्ट में दिए जाते हैं वो ट्रू नहीं होते हैं। दूसरा एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट होता है बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ द फैक्ट विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट एनी अदर एक्ट जो कि लगे कि हाँ वो सामने वाले को डिसीव करने के लिए लगा है, या फिर लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। देखो मियर साइलेंस, कभी कभी जब हमको, आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है आप लोगों को कुछ सिचुएशंस पता है लेकिन आप अपने फ्रेंड के सामने ना चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है, आपको उसमें रहेगा ऐसा सिचुएशन आया है कभी आप लोगों के साथ जब आपको कुछ सिचुएशंस पता है लेकिन फिर भी आप अपने फ्रेंड के सामने या अपने फैमिली के सामने चुप हो जाते हैं? आती है कि नहीं ऐसे सिचुएशंस बताओ? आती है मैम। अब आप उस सिचुएशन में क्या प्रेफर करते हैं? साइलेंस। ठीक, तो अब आपके साथ एक क्वेश्चन बनता है, मियर साइलेंस एज टू फैक्ट्स लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रॉड। ठीक है, दो तरीके की सिचुएशन आएगी, अगर आप साइलेंस रहते हैं तो भी आप फ्रॉड को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी आप फ्रॉड कर रहे हैं, आप जानते बूझते उसके साथ गलत कर रहे हैं, या कभी कभी साइलेंस का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक अनलेस हिज साइलेंस इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच। अब देखो कभी कभी ऐसा है ना कि साइलेंस कोई स्पीच माना जाता है, ऐसा हो सकता है क्या? ये तो फिर नेक्स्ट देखो इसमें द सजेशन। अब देखो इसमें कुछ कुछ केस स्टडीज आई हैं। The suggestion as a fact which is not true by one who does not believe it to be true. Next है active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact. If a person conceals a fact which is material to the contract will be a case of fraud. ठीक है, ये देखो ये तुम्हारे काम का नहीं है क्या? तुम लोग सब इसको सिंपल इतना सा लिख सकते हो कि जो हम सजेशंस देते हैं एज अ फैक्ट, सजेशंस दे रहे हैं वो कभी कभी सही नहीं होते हैं, ट्रू नहीं होते हैं, तो लोगों को सजेशंस को सच नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरों के सजेशंस को ट्रू मानेंगे ठीक है तो आप सामने वाले के ऊपर फ्रॉड का केस नहीं कर सकते, सामने वाला क्लियर कट बोलेगा मैंने सिर्फ सजेस्ट किया था। नेक्स्ट देखो, अगर हम कुछ फैक्ट्स को छुपाते हैं जो चीज हमको पता है या कुछ बिलीव्स हैं ठीक है, तो अगर कोई पर्सन कुछ फैक्ट्स को छुपा रहा है और वो जो फैक्ट है वो मटेरियल है, मतलब सब्जेक्ट है, वही तो मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो फ्रॉड कहलाएगा। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट्स के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स है जो कि मेन पर्पस में नहीं आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट के, तो फिर वहां पे वो फ्रॉड नहीं कहलाएगा, फिर वो कहलाएगा कैवियट एम्प्टर। कैवियट एम्प्टर का मतलब होता है ये देखो, बायर बिहेवियर, बीवेयर सॉरी, लेट द बायर बीवेयर। जब भी अगर हम
कुछ गुड्स वगैरह परचेज करने के लिए जाते हैं, तो हमारा ड्यूटी क्या होता है कि हम उस गुड्स को ध्यान से देखें, समझें और परखें. तो उसको लैटिन वर्ड यूज किया है, कैविएट एम्प्टर. लेट द बायर बीवेयर, खुद देखे, खुद ले, समझे और परचेज करे. सेम वही इस कॉन्ट्रैक्ट में फिट होगा. अगर सामने वाला आपसे कोई चीज नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे कुछ छुपा रहा है, या तो आपने पूछा नहीं है, ये वाली सिचुएशन भी आ सकती है. तो दो सिचुएशन आएंगी. फैक्ट, अगर वो मेन पर्पस ही है कॉन्ट्रैक्ट का और छुपा रहा है तो फ्रॉड, लेकिन वो फैक्ट है लेकिन वो मेन पर्पस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, तो आप सामने वाले के ऊपर फ्रॉड का केस नहीं कर सकते. यहां तक क्लियर हुआ? यस मैम. कोई डाउट है किसी को? हर्ष, रवि, नम्रता, आयुषी, आरती, अनुराग, कहीं डाउट है तो पूछ लो जल्दी से. नहीं मैम. नेक्स्ट देखो, देखो ये जो ब्लैक वर्ड लाइन से यूज किया, बस यही सब लिखना है तुमको. ये वाले मत लिखना एग्जाम्पल तुम लोग एग्जाम में. अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन, ये भी पता है. एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, देखो ये सब वही पॉइंट्स हैं जो इस इधर लिखे हैं. ये देखो, ये शॉर्टकट में ये पांच पॉइंट्स लिखे हैं. तो एग्जाम में तुम लोग फ्रॉड बताना, उसकी मीनिंग बताना और बताना कि ये वॉइडेबल है. ठीक, कौन कौन सी सिचुएशंस हैं फ्रॉड की, ये खत्म बस. और एक साइलेंस वाला एक्सप्लेन करना आप लोग फ्रॉड में, इससे ज्यादा मत करना. मीनिंग फिर बताना कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, सिचुएशंस जिसमें हम फ्रॉड बताएंगे तो वे पांच, फिर आप एक साइलेंस वाला बताना. ठीक है, तो देखो ये एक्ट फिटेड टू डिसीव, ये सब वही वही है जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया. ये देखो, ये एक्ट फिटेड टू डिसीव, एक्ट और ओमिशन, बस ये उन्हीं को एक्सप्लेन किया सिचुएशंस को. नेक्स्ट देखो, देखो ये अभी बताया था, मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड. तो देखो ये पूछ सकता है क्वेश्चन आपको. आप क्या लिखना, अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन, कोई लायबिलिटी नहीं है उसके ऊपर ना. ऑब्लिगेशन मींस लायबिलिटी, और इन शॉर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसकी, है ना, कि वो सारा का सारा सच बताए दूसरी पार्टी को. कभी कभी क्या होते हैं फैक्ट्स, हम भूल जाते हैं, सामने वाला हमसे जितना क्वेश्चन करता है हम उसको उतना ही आंसर करते हैं. ठीक है, हमको सामने वाले को सपने थोड़ी आएंगे कि इसको ये, इसके आंसर चाहिए, इसके चाहिए. फॉर दैट यू हैव टू क्वेश्चन, है ना. तो लेट द बायर बीवेयर, खरीदार खुद करे. इज द रूल एप्लीकेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, देर इज नो ड्यूटी टू स्पीक इन सच केस, एंड साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड. लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन में साइलेंस फ्रॉड की तरह काम आएगा. वो ये देख लो, ये लिखना पड़ेगा आपको. फिड्यूशियरी, जिसमें वो फिड्यूशियरी रिलेशन क्या होते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया है इसी क्लास में, मतलब फ्री कंसेंट की क्लास में मैंने फिड्यूशियरी रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया था. बताओ क्या था फिड्यूशियरी रिलेशनशिप्स, क्या होते हैं? बताओ. अरे इतने साइलेंट क्यों? आप शायद कुछ और बताए थे. क्या बताई थी? मैं बताऊं? कई बताए थे, मैं लिखी थी अभी, देखी. क्या लिखा है इसमें मैम? आप बताए थे कि रिलेशनशिप इन विच हैविंग ट्रस्ट, रिलेशनशिप मैं लिखी थी. लिखे थे ना, इन विच हैविंग ट्रस्ट. ठीक है. अच्छा, मैंने और कुछ क्या बताया था हर्ष, बताओ. बताओ. वाह, तो मैंने और क्या बताया था? ठीक है, तो मैंने जो भी बताया था ना, तुम ढूंढ के मुझे बताना. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज. देखो मैरिज जैसी चीजें में अगर हम कुछ फैक्ट्स वगैरह छुपाते हैं तो वो क्या होता है? फ्रॉड ही आता है. फैमिली सेटलमेंट्स में, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, प्लस शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट. शेयर अलॉटमेंट समझते हैं आप लोग? जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो
एप्लीकेशंस आते हैं जो उस शेयर्स के रिगार्डिंग, तो उन एप्लीकेशंस को जब उनको अलॉट की जाती है, एक्चुअल में जब उनको उनके राइट्स दिए जाते हैं, तो वो होता है अलॉटमेंट। ठीक है, आया सबको समझ में शेयर अलॉटमेंट क्या होता है? देखो, सपोज कंपनी शेयर्स इशू कर रही है मार्केट में, 100 रुपए वाले 500 शेयर्स, 500 नहीं 5 लाख करेगी कंपनी, तो कोई पर्सन है, कंपनी को 5 लाख शेयर्स इशू करने हैं, इसमें बोल दिया है 100 रुपए वाले, तो सपोज किसी ने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, किसी ने 2500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो ये एप्लीकेशंस आती हैं, तो इनको जो शेयर्स दिए जाते हैं, सपोज किसी को 2000 मांगे तो पूरे 2000, किसी ने 2500 मांगे हैं तो उसको 1500, कभी पूरे देती है कभी कम देती है, तो वो जो शेयर्स देती है उसको बोलती है अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इन कॉन्ट्रैक्ट में भी फ्रॉड नहीं चलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफेक्ट्स क्या होंगे फ्रॉड के? When the consent to an agreement is caused by fraud, the agreement is a voidable contract. ये मैंने बताया था, सिर्फ mistake को छोड़ के बाकी जो चार हैं, coercion, undue influence, misrepresentation और fraud, इन चारों में contract क्या हो जाता है? Voidable, और mistake में void. A party whose consent to an agreement is so obtained has two remedies. ठीक है, या तो वो cancel कर दे contract को, इसका मतलब होता है cancellation. या फिर he may insist that the contract shall be performed and that he shall be put in position in which he would have been. ठीक है, या तो फिर वो उसको insist करेगा कि वो contract को क्या करे, perform करे. नेक्स्ट देखो, मिसरिप्रेजेंटेशन, कहीं पे डाउट है फ्रॉड में? नहीं मैम। ठीक है, अब देखो, मिसरिप्रेजेंट मतलब फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, या तो इनोसेंटली, ठीक है, कुछ हमने फॉल्स रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि हमको ही नहीं पता था, तो एक होता है इनोसेंटली, या फिर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ अ मटेरियल, कुछ ऐसे मटेरियल का मतलब मैंने बताया है इसके पहले भी, जो पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का, विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी, जिसमें सामने वाले का कोई इंटेंशन नहीं है कि वो उसको डिसीव करे, बट मिसरिप्रेजेंट हो चुके हैं फैक्ट्स। ठीक है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, तो इसमें देखो, According to section 18, the term representation means the positive assertion in a manner not warranted by the information he believes it to be true. सामने वाले को खुद लगता है कि वो सच बोल रहा है इसमें. Next देखो, any breach of duty, breach मतलब जैसे promise break करना होता है ना, ठीक है, तो ऐसे ही ब्रीच मतलब कुछ गलत करना, तोड़ना, विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव गेन बाय मिसलीडिंग अनदर, कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड, ये सब मत करना, ये सब आपके काम का नहीं है, ये सब बीकॉम वगैरह में जाता है इतना सारा। नेक्स्ट देखो, ये देखो, ये आपके काम का है, इफेक्ट देखो, क्या क्या इफेक्ट्स होंगे? देयर शुड बी अ रिप्रेजेंटेशन, कुछ तो प्रेजेंट करना पड़ेगा ना, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मतलब हमने कुछ चीजें बताई हैं वो गलत होगी। दूसरा, ऐसा रिप्रेजेंटेशन वो किससे रिलेटेड होने चाहिए? फैक्ट से रिलेटेड होने चाहिए, और वो भी अनट्रू होने चाहिए, और एंड इट वॉज मेड बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन कंप्लीट, ट्रांजेक्शन मीन्स कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले होना चाहिए, विथ अ व्यू टू इंड्यूस द अदर पार्टी टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट, और आपने जो फैक्ट्स मिसरिप्रेजेंट किए उसकी वजह से वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में भी आना चाहिए, मतलब वो इंड्यूस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट मस्ट एक्चुअली हैव बीन एक्टेड अपॉन बाय द पार्टी, मतलब
फर्स्ट पार्टी के द्वारा सेकेंड पार्टी को ही होना चाहिए, ऐसे नहीं कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है उसको असर पड़ रहा है, तो हम उसको मिसरिप्रेजेंट नहीं बोलेंगे. इट मस्ट हैव बीन आइदर बाय द पार्टी हिमसेल्फ और हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट. हाँ, अगर उसका कोई एजेंट है वो कर रहा है तो ये थे एसेंशियल्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन. इस एसेंशियल तक कोई डाउट है तो पूछो, फिर अपन कॉन्सिक्वेंसेस में जाएंगे. बताओ, यहां तक कोई डाउट? नो मैम. किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, आगे देखो. कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन के? इफेक्ट्स. द एग्रीव पार्टी में अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट. यस, अवॉइड कर सकती है. डिस का मतलब हो जाएगा वॉइडेबल, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में रह सकती है. व्हेन कंसेंट इज इंड्यूस्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, एग्रीव्ड पार्टी हैज द मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ विथ, ठीक है, डिस्कवरिंग द ट्रूथ विथ ऑर्डिनरी डिलिजेंस. द कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट बी सेट असाइड. इसका क्या मतलब होगा? द कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट बी सेट असाइड. बताओ, इसका क्या मतलब होता है? द कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट बी सेट असाइड व्हेन कंसेंट इज इंड्यूस्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन एंड एग्रीव पार्टी हैज द मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ विथ ऑर्डिनरी डिलीजेंस. देखो, अगर कंसेंट मिसरिप्रेजेंट से मिला है, मिसरिप्रेजेंटेशन से, और जो सामने वाली पार्टी है उसके पास तरीके हैं सच जानने के, लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट को साइड अभी नहीं कर सकती है, मतलब अभी वो उसको रिमूव नहीं कर सकती है. नेक्स्ट देखो. ये क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? मिस्टेक. तो किसी को डाउट है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में? बताओ, फ्रॉड या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन में कोई डाउट? नो मैम. नेक्स्ट देखो, मिस्टेक. मिस्टेक में भी डिफाइंड एज एन एरर या फिर एरोनियस बिलीफ. काइंड ऑफ क्या है मिस्टेक? एक एरर है, एरर बिलीफ है किसी की. Concerning something, it means that parties intending to do one thing have by internal error done something else. करना कुछ और चाहती थी और कर कुछ और रही. ठीक है, mistake of law. Two types of mistakes read करना है इसमें. तो एक law, मतलब हम किसी law को गलत समझ रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ facts हैं उसको mistake. तो मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स पढ़ना है इसमें. नेक्स्ट देखो. तो देखो, मिस्टेक्स में, मिस्टेक ऑफ लॉ में देखो, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ है द कॉन्ट्रैक्ट इज बाइंडिंग बिकॉज एवरीबडी इज सपोज टू नो द लॉ ऑफ कंट्री. ठीक है, देखो, मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वॉइडेबल नहीं होगा, वॉइड होगा. A contract is not voidable, मैंने बताया था starting से, because it was caused by a mistake as to any law in force in India. ठीक है, next देखो, mistake of foreign law and mistake of private rights of parties are treated as mistake of facts. अगर हमसे कोई mistake हो रही है foreign countries की law के regarding, देखो मैं इसका एक example बताती हूँ तब आपको इसमें समझ में आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि लॉ में कैसे मिस्टेक है. देखो, इंडियन लॉ में कोई मिस्टेक नहीं है, हमसे उसको समझने में कोई मिस्टेक हुई है. ठीक है, मैंने क्या बताया, हम कुछ और करना चाहते हैं और हो कुछ और रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे लॉ गलत नहीं है, हम कुछ गलत समझ रहे हैं उसको. एक एग्जाम्पल देखे बता रही हूँ. देखो, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, हमसे एक लॉ को समझने में गलती हो गई, मतलब पार्टीज हैं
उनसे एक लॉ समझने में गलती हो गई, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या होता है इसमें, अगर कोई पर्सन है और उसको इंडियन लॉ के बारे में कुछ पता नहीं है तो ये उसकी गलती है, तो ये उसमें आएगी कि उसको उस लॉ के बारे में पता होना चाहिए। और अब क्या है, उन दोनों पार्टीज को उसके कंसिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, मतलब इफेक्ट्स। सपोज जैसे बीच में गवर्नमेंट कहती है ना कि हमारा क्या वो बैंक लोन माफ कर देगी, वेव कर देगी, लेकिन लोगों को लगा कि सबका, उसमें फार्मर्स भी थे, ठीक है, या फिर फार्मर्स को छोड़ो, जैसे अभी वोटिंग वगैरह होती है ना, गवर्नमेंट कहती है ना जो पार्टीज होती हैं जो उसके लिए, उसमें क्या होता है, वो लोग कुछ प्रॉमिसेस करते हैं, अगर कह दिया कि हम इनका ये लोन माफ कर देंगे या फिर ये वाला जो डेब्ट है 1,00,000 रुपए तक का, वो सबका माफ हो जाएगा, तो उसको समझने में हमसे कोई गलती हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम, ये एक एग्जाम्पल है, या फिर एक लॉ आया है कि अगर आप 25 ईयर्स तक इतना अमाउंट नहीं पे कर पाते हैं डेब्ट का, तो फिर गवर्नमेंट उस डेब्ट को ध्यान नहीं देती है, ठीक है। तो हमसे कुछ समझने में गलती हो गई है इस टाइप से, तो वो हो जाता है मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ। नेक्स्ट देखो, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, उसमें क्या होगा, हमसे कोई दूसरी कंट्री का जो लॉ है वो समझने में मिस्टेक हुई है, तो उसको कहते हैं मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, और वही क्या बन जाता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। जैसे अभी हमने किया मिस्टेक ऑफ लॉ है और वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स है, तो लॉ में एक इंडियन लॉ है और एक फॉरेन लॉ है, तो जो फॉरेन लॉ है उसको इसमें काउंट कर देते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स में। तो देखो फैक्ट्स, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स टू टाइप्स के होते हैं, एक बाइलेटरल होता है और एक यूनिलेटरल। बाइलेटरल मींस दोनों साइड से, यूनिलेटरल सिंगल साइडेड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बाइलेटरल मिस्टेक में देखो क्या होगा, ये देखो मिस्टेक, बायलैटरल मिस्टेक में फर्स्ट पॉइंट, अगर कोई सब्जेक्ट मैटर से रिगार्डिंग मिस्टेक है, मतलब जो मेन मटेरियल है कॉन्ट्रैक्ट का या जो मेन बिजनेस है कॉन्ट्रैक्ट का, और इसमें फॉरेन लॉ को भी इंक्लूड कर दो ना, फॉरेन लॉ मींस हमसे दूसरी कंट्री का जो लॉ है वो समझने में मिस्टेक्स हुई है, तो व्हेन बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट which are essential to the agreement and this agreement shall be void, ठीक है। अब इसमें contract क्या हो जाएगा, void हो जाएगा। मैंने बताया था starting की चार condition में contract क्या हो जाता है, voidable, मतलब या तो contract को करें या फिर voidable means move out कर जाएं। लेकिन मैंने बताया था कि mistake के time पे सीधा का सीधा contract क्या हो जाता है, void हो जाता है, मतलब null हो जाता है। जो कॉन्ट्रैक्ट पहले तो सही होता है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड। तो देखो, इट शुड बी कमिटेड बाय बोथ द पार्टीज, इट शुड बी रिलेटेड टू अ मैटर ऑफ फैक्ट विच आर एसेंशियल टू द एग्रीमेंट। उनसे कोई ऐसी मिस्टेक हुई है जो मैटर ऑफ फैक्ट बनता है, मतलब जो मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का उसी में इनसे मिस्टेक हुई है। नेक्स्ट देखो, यूनिलेटरल मिस्टेक क्या होगा, वन साइडेड मिस्टेक। इफ वन पार्टी अलोन इज अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यूनिलेटरल मिस्टेक्स डू नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अनलेस दे कंसर्न सम फंडामेंटल फैक्ट। बस इतना करना है आपको इसमें। तो इसकी कुछ समरी बता रही हूँ मैं आपको, कंसिक्वेंसेस इसमें देखो, अगर बायलेटरल मिस्टेक है तो वो वॉइडेबल, अगर वॉइड, ठीक है, एक सेकेंड,
बायलेटरल मिस्टेक है तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। यूनिलेटरल मिस्टेक है तो इसमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक वॉइडेबल का भी मिलता है, एक वॉइड का भी मिलता है। वॉइडेबल कब मिलेगा? अगर इसमें लगता है कि सामने वाले ने सच में किसी के साथ कुछ क्या ट्रस्ट ब्रेक किया है। यूनिलेटरल मिस्टेक मींस वन साइडेड, लेकिन वो वन साइडेड इंटेंशनली है, जानबूझ के किया है, तो वो वॉइड हो जाएगा, नहीं तो वॉइडेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर कोई पर्सन ऐसी मिस्टेक से जिसको कोई फायदा मिल रहा है, एडवांटेज मिल रहा है, ठीक है, तो उसको वो पूरा का पूरा कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी की गलती का किसी और ने फायदा उठाया है, ठीक है। और दूसरा, अगर किसी पर्सन के पास, फोर्थ पॉइंट, कुछ अमाउंट या मनी गलती से डिलीवर हो गई है, मतलब मिस्टेकनली, तो वो उसको रिपे करना पड़ेगा या फिर रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये इसमें इसके चार पॉइंट।